हेलो दोस्तों, आप सभी का मिशन मसूरी के इस प्लेटफॉर्म पर बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि जानते हैं कि प्री और मेंस में मैपिंग एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है। मेंस में हम इसको यूज करते हैं आंसर शो करने में, इसलिए हमें लोकेशन ज़रूर पता होनी चाहिए ताकि जब हम मेंस लिखे आंसर लिखे तो उसमें काम आए। इसके अलावा इसका यूज प्री में बहुत इम्पोर्टेंट, प्री में लगभग लगभग 5 से 7 क्वेश्चन, ज्योग्राफी के 90% क्वेश्चन जो प्री में आते हैं वो यहीं से आते हैं। और PCS या अदर आप कोई भी एग्जाम देना चाहोगे उसमें जितने भी आपके ज्योग्राफी क्वेश्चन हैं वो सब यहीं से आएंगे। तो इसका थोड़ा महत्व समझो, महत्व क्या है। अगर से महत्व की बात करें तो पहली बात, प्री में बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप देखेंगे तो प्री में बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि प्री में लगभग लगभग 4 से 5 क्वेश्चन आपको हर एग्जाम में, लगभग लगभग हर एग्जाम में मिलेंगे, चाहे कोई भी आप एग्जाम दो उसमें। और अगला महत्व है मैप का। अगला महत्व क्या है? मैपिंग का। मेंस में, मेंस में महत्व है कि मेंस में आपको कोई कोई लोकेशन दिखानी है, कैसे मेंस में किसी भी आंसर को आपको दिखाना है। जैसे इस बार आया था कि किस प्रकार से विश्व के महाद्वीप उस क्षेत्रीय जलवायु को प्रभावित करते हैं, सॉरी विश्व के पर्वत, इस प्रकार विश्व के विभिन्न विभिन्न इलाकों में जो माउंटेन है, जो रेंज है, हिल है, वो किस तरीके से वहाँ की लोकल क्लाइमेट को चेंज करते हैं, प्रभावित करते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि लोकेशन कहाँ है पहली बात तो। दूसरी बात, जब हम क्लाइमेट पढ़ेंगे तो आपकी समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से प्रभावित करते हैं। लेकिन फर्स्ट टाइम आपको लोकेशन ही पता नहीं होंगी तो आप कैसे उसका आंसर ले पाओगे। इसलिए उस लोकेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं। इसके अलावा आपको दुनिया में घटित होने वाले इंसिडेंट, मान लो यूक्रेन, अब यूक्रेन वाले इंसिडेंट घटित होते तो आपके मन में तुरंत जाना चाहिए कि यूक्रेन की लोकेशन क्या है, यूक्रेन है कहाँ आखिर, यूक्रेन के पड़ोसी कौन है, रूस की सीमा किस तरीके से यूक्रेन में लगती है, क्या रूस की सीमा यूक्रेन से पूर्व से लगती है, पश्चिम से लगती है, उत्तर से लगती है, दक्षिण से लगती है, ठीक है ना। ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, मतलब क्योंकि जब आप मैप जानोगे, हर देश की लोकेशन, हर देश की स्थिति जानोगे, तभी आपको पता लग पाएगा कि कौन सा देश कहाँ पर है। और तभी आप कई चीज़ों में, आप कोई भी आपकी हिस्ट्री की लोकेशन है, पॉलिटिकल लोकेशन है, ज्योग्राफी में आप पढ़ रहे हो, कहीं भी पढ़ रहे हो, तो आपके मन में लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगी। आपके मन में मैप अगर अच्छे से सेट हो गया तो आप दुनिया के किसी भी क्षेत्र में होने वाली घटना को तुरंत मैप में सेटेलाइट कर लोगे और उसके बाद आसानी से उसको किसी भी क्वेश्चन में आसानी से पुट कर सकते हो। इसलिए मैपिंग का ज्ञान होना बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है। और मैपिंग का ज्ञान किस तरीके से करना है हमें, एक तो हमें लोकेशन देखनी है कि वो लोकेशन है कहाँ, ठीक है ना। और दूसरी बात, देखो ध्यान रखना, लोकेशन तो पता लगा, तीसरी बात, जो क्वेश्चन आते हैं वो नॉर्मली या तो बॉर्डर पूछेंगे आपसे, या कोई नदी है उसकी लोकेशन पूछेंगे, या नदी कहाँ से ओरिजिनेट होती है ना, कहाँ से ओरिजिनेट होती है और कहाँ पर गिरती है ना, फिर कोई हिल रेंज पर्वत श्रृंखला है कहाँ पर है, कोई लेक झील कहाँ पर है। इतना ही नहीं, आपसे पूछ सकता है कि बॉर्डर बाउंड्री ऑफ किसी देश की बाउंड्री, ठीक है ना, या इस तरीके के क्वेश्चन आपसे नॉर्मली पूछे जाते हैं, ठीक है ना। आपको ये क्वेश्चन आना बहुत ही जरूरी है। जैसे अब हम आगे बढ़ते हैं इसमें, अगर हम आगे बढ़ें तो इसमें एक सबसे पहले आपको पता है, अगर बेसिक आप इंफॉर्मेशन लें तो ये बात तो आपको पता है कि दुनिया में अगर देखें हम पूरे विश्व के लेवल पर देखें तो विश्व में 7 महाद्वीप हैं और 5 महासागर, ठीक है। 7 महाद्वीप और 5 महासागर विश्व में है। और महाद्वीप तो आप जानते हो, पहला एशिया हो गया, दूसरा अफ्रीका, तीसरा यूरोप, चौथा नॉर्थ अमेरिका, पांचवा साउथ अमेरिका, छठा ऑस्ट्रेलिया, सातवा अंटार्कटिका। अंटार्कटिका एक ऐसा महाद्वीप जहाँ कोई नहीं रहता, ठीक है ना। ये 7 तो महाद्वीप है और 5 महासागर है। सबसे बड़ा महासागर आपको पता है प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, अटलांटिक महासागर, आर्कटिक महासागर और अंटार्कटिक महासागर। अंटार्कटिक एक महाद्वीप भी है, महासागर है। तो 5 महासागर है, ठीक है ना। इन पे पूरी दुनिया बनी हुई है और ये इनकी आधार पर इनकी लोकेशन भी है। तो 7 महाद्वीप है, इनमें सबसे पहले हम एशिया महाद्वीप की मैपिंग देखेंगे, है ना। और एशिया महाद्वीप से हम आगे बढ़ेंगे इसमें। तो सबसे पहले आपको जो ये लोकेशन देख रही है एशिया महाद्वीप की है। एशिया महाद्वीप की अगर हम लोकेशन देखें, नॉर्मली आपसे पूछ लिया जाता है कि एशिया महाद्वीप के उत्तर में क्या है, दक्षिण में क्या है, पूर्व में क्या है, पश्चिम में क्या है। तो बेसिक इतना तो पता होना चाहिए कि एशिया महाद्वीप है
एक तो इसकी सीमा यूरोप से लगती है, ठीक है ना, इससे लगती है यूरोप से, ये यूरोप है पूरा, आपको देख रहा होगा ये यूरोप, ठीक है। दूसरी बात अगर मैं करूँ एशिया महाद्वीप की, एशिया महाद्वीप की दूसरी सीमा लगती है अफ्रीका से, ये अफ्रीका है। तीसरी लगती है इसकी इंडियन ओशन से, है ना। चौथी लगती है इसकी प्रशांत महासागर से। पांचवी लगती है इसकी अमेरिका से, अलास्का से। और छठी नॉर्थ में इसकी जो सीमा लगती है, ये इसकी आर्कटिक पैसिफिक से लगती है, सॉरी आर्कटिक महासागर से लगती है। तो सबसे पहले आप जब भी किसी चीज़ के बारे में पढ़ो तो उसकी लोकेशन जरूर पढ़ो, ठीक है ना। अब इसमें सबसे पहले देखें तो यूरोप से एशिया अलग करने वाली एक पर्वत श्रृंखला है, यूराल पर्वत। यूराल पर्वत है ये यूरोप को एशिया से अलग करता है। यूराल पर्वत यूरोप को और कैस्पियन सागर और ब्लैक सागर और भूमध्य सागर, ये चार ऐसी लोकेशन है जो यूरोप को एशिया से अलग करती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, आपसे पूछा जाता है कई बार कि यूरोप से एशिया को अलग करने वाला कौन सा है। हो सकता है आपको महासागर का नाम दे दें, जैसे कैस्पियन सागर का नाम दे दें, ब्लैक सी का नाम दे दें, भूमध्य सागर का नाम दे दें, या यूराल पर्वत का नाम दे दें। तो यूराल पर्वत, अब आपके मन में तुरंत आना चाहिए यूराल पर्वत कहाँ है। यूराल पर्वत मुख्य रूप से रूस में आता है, क्योंकि ध्यान रखना रूस यहाँ तक आ रहा है इधर, ठीक है ना। तो रूस यूरोप में आ रहा है, रूस आ रहा है, रूस का जो पश्चिमी भाग है वो यूरोप में आता है और पूर्वी भाग है रूस का वो एशिया में। और जो एशिया वाला रूस है ये ज़्यादा दमदार नहीं है, ये इसमें पर्वत हैं, इसमें पर्वत हैं, इसमें आपने देखा होगा इसमें साइबेरियन पठार है, जहाँ पर मतलब कोई यूजुअल लैंड नहीं है, काम की भूमि नहीं है, या तो पर्वत है, पठार है, या हम कह सकते हैं बर्फ बर्फ जमी हुई है, तो यहाँ पर पब्लिक कम है। रूस के इस एशिया वाले भाग में जनसंख्या कम होती है, ये केवल संसाधनों के लिए इम्पोर्टेंट है, बाकी रूस के लिए और दृष्टि से इम्पोर्टेंट नहीं है। रूस के जितने भी सारे शहर हैं, जितनी भी रूस की जनसंख्या का 90% हिस्सा है वो पूर्वी रूस में, पश्चिमी रूस में बसा हुआ है, ठीक है। इसलिए पश्चिमी रूस की वजह से रूस की सीमा, आप जो पश्चिमी रूस है वो यूरोप में आता है। इसलिए रूस में आपने देखा होगा कि रूस की जो कल्चर है वो वेस्टर्न कल्चर की तरह होती है, ठीक है ना। और रूस अपने आप को वेस्टर्न कल्चर के साथ ही जोड़ के रखा हुआ है हमेशा, हालांकि है एशिया में, लेकिन रूस अपने आप को यूरोप का ही हिस्सा मान के चला। तो सबसे पहले आपको बताना चाहिए कि यूराल पर्वत अलग करता है यूरोप को, कैस्पियन सागर है ये अलग करता है, भूमध्य ब्लैक सी है ये अलग करता है, और भूमध्य सागर तो यूरोप से अलग करने वाले चार चीज़ें। एक इम्पॉर्टेंट ये है, नॉर्थ में अगर देखें एशिया के नॉर्थ में, तो एशिया के नॉर्थ में है साइबेरियन आइलैंड, मतलब आर्कटिक महासागर। क्या है? आर्कटिक महासागर, ठीक है ना। तो आर्कटिक महासागर, ठीक है। और एशिया को यानी कि रूस को, रूस का ये भाग है, और इधर अगर आपने देखा होगा इधर, तो यहाँ अलास्का है। अलास्का 1867 में, 1867 में रूस के द्वारा अमेरिका को बेच दिया गया, ठीक है ना। और बोलते हैं कि दुनिया की सबसे बड़ी गलती माना गया इसे, क्योंकि रूस के द्वारा जब अमेरिका को विभाग बेचा गया था, हालांकि ज्योग्राफी का लोकेशन इसकी अमेरिका के पास पड़ती है, इसलिए रूस ने उस टाइम इसको बेच दिया, क्योंकि तब तक रूस ने इस पर रिसर्च नहीं किया, यहाँ पर रिसर्च अनुसंधान नहीं किया, इसलिए कुछ फाइंड आउट नहीं कर पाया। लेकिन बाद में अमेरिका ने रिसर्च और अनुसंधान करके अलास्का में बड़े बड़े तेल के भंडार और नेचुरल गैस के भंडार मिले, और आज रूस इस बात को लेकर के पछता रहा है। लेकिन अलास्का किसका हिस्सा है? अलास्का अमेरिका का एक राज्य है, ठीक है ना। तो अलास्का और रशिया के इस क्षेत्र को अलग करने के लिए एक बैरिंग जल संधि है। कौन सी जल संधि है? बैरिंग जल संधि। तो बैरिंग जल संधि के बारे में अगर आपसे पूछा जाए तो इसके बारे में तीन इन्फॉर्मेशन आपको पता होनी चाहिए कि बैरिंग जल संधि एक तो रूस को अमेरिका से अलग करती है। कई बार आप कन्फ्यूज हो जाएंगे यार अमेरिका की सीमा कैसे लगती है रूस के साथ, ध्यान रखना रूस के साथ अमेरिका की सीमा लगती है, ठीक है ना। तो रूस को अमेरिका से अलग करती है, ठीक है ना, नंबर फर्स्ट। नंबर सेकेंड, एशिया को अफ्रीका, एशिया है उस एशिया को दक्षिण, सॉरी एशिया को उत्तरी अमेरिका से अलग करती है। नंबर थर्ड की अगर मैं बात करूं तो हम कह सकते हैं कि ये इधर क्या हो गया, इधर ये नेस को ये देखो, ये चीज समझ में, इधर देखो ये नॉर्थ में हो गया कौन सा आर्कटिक महासागर, और दक्षिण में हो गया प्रशांत महासागर। ये तो है आर्कटिक महासागर, ये प्रशांत महासागर। तो आर्कटिक महासागर और प्रशांत महासागर को अलग करने वाले जल संधि का नाम भी बेरिंग जल संधि। ये इंफॉर्मेशन आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। तो नॉर्थ में समझ में आ गई, उत्तरी पूर्वी क्षेत्र है ये बेरिंग जल संधि वाला समझ में आ गया। इसके बाद ये जो एरिया है, ये जो एरिया देख रहे हैं आपको, ये है प्रशांत महासागर, प्रशांत महासागर। और प्रशांत महासागर के दो भाग होते हैं आपको पता है, ये है पश्चिमी प्रशांत महासागर और इधर वाला है पूर्वी प्रशांत महासागर, ठीक है ना। पश्चिमी प्रशांत महासागर, ठीक है ना। और इसके बाद ध्यान रखना प्रशांत महासागर नीचे तक फैला हुआ है, लेकिन
ये जो 0 डिग्री भूमध्य रेखा से ऊपर वाले प्रशांत महासागर को नॉर्थ प्रशांत महासागर बोलते हैं, और भूमध्य रेखा से नीचे वाले प्रशांत महासागर को साउथ पैसिफिक ओशन बोलते हैं, ठीक है ना। और इसी ठीक इसी प्रकार यहाँ 180 जाती है, आपको पता है 180 पूर्वी देशांतर रेखा, तो 180 के इधर जाने वाले को बोलते हैं पश्चिमी, और 180 के इधर जाने वाले को पूर्वी प्रशांत महासागर बोला जाता है, ठीक है ना। इसके बाद अगर हम आगे बढ़े, ये ठीक है। अब ये और ये दक्षिण में हो गया इंडियन ओशन, दक्षिण में क्या हो गया हिंद महासागर, दक्षिण में अगर एशिया की सीमा लगती है इंडियन ओशन के साथ लगती है, ठीक है। इसके अलावा ये अफ्रीका से अलग करता है इसको रेड सी, रेड सी है या गल्फ ऑफ अडेन है, ये अफ्रीका को एशिया से अलग करते हैं, ठीक है। ये रेड सी जा रहा है, हम देखेंगे एक एक सी को लोकेशन देखेंगे, ये रेड सी है और ये अफ्रीका है, इसको अलग करने वाली जो लोकेशन है उसका नाम है रेड सी, जो एशिया को अफ्रीका से अलग करता है। ये अफ्रीका की हमने सॉरी एशिया की बाउंड्री देखी, ये नॉर्थ में क्या है, साउथ में क्या है, और ईस्ट में क्या है, वेस्ट में क्या है, इतना आपको बेसिकली पता होना चाहिए। इसके बाद मैं बेसिकली आपको देशों के बारे में बताता हूँ, एशिया के देशों के बारे में। तो देखो एशिया में पहली बात आपको ये भी पता लग जाए कौन कौन सा देश है, ठीक है ना। तो एशिया में अगर एक बात करते हैं भारत है, ठीक है ना। भारत भारत के अगर एशिया में लोकेशन देखें, भारत दक्षिण एशिया में आता है, ठीक है ना, ठीक है ना। ये भारत है, ये दक्षिण एशिया में आता है, ठीक है ना। ये भारत हो गया, भारत के पास बगल में पाकिस्तान हो गया, पाकिस्तान के बगल में हो गया अफगानिस्तान, ठीक है ना। और अफगानिस्तान के अगर हम और इधर जाएंगे पश्चिम की तरफ तो ये हो गया ईरान, ठीक है ना, ये ईरान हो गया। और मध्य एशिया के जो 5 देश हैं इनकी लोकेशन जरूर ध्यान रखना, मध्य एशिया के 5 देश हैं, इनमें एक है तुर्कमेनिस्तान, जिसकी सीमा तुर्कमेनिस्तान की सीमा, एक चीज़ ध्यान रखना, जब आपको सारे देशों की लोकेशन पता होनी चाहिए, लेकिन जो करंट में चल रहा है ना उसके पड़ोसियों की लोकेशन जरूर याद रखना, जो भी करंट में चलता है उसके पड़ोसियों की लोकेशन जरूर याद रखना, उसी से क्वेश्चन कई बार आपसे पिकअप किए जाते हैं, ठीक है। तो देखो नॉर्मली कोशिश करना किस देश की सीमा किससे लगती है, एटलीस्ट एज ए नॉलेज के लिए भी आपको पता होना चाहिए कि किस देश की सीमा किससे लगती है। अगर पाकिस्तान की सीमा की हम बात करें तो अफगानिस्तान की लगेगी, पाकिस्तान की सीमा की अगर मैं बात करूँ भारत से लगेगी, और पाकिस्तान की सीमा की अगर हम बात करें तो अगर पाकिस्तान का ये क्षेत्र पीओके, अगर पाकिस्तान का क्षेत्र हालांकि है नहीं, इसलिए पीओके की सीमा को चाइना के साथ नहीं माना जा रहा, लेकिन पीओके की जो सीमा है, जो भारत का आज पीओके के पास जो पाकिस्तान के पास वाला क्षेत्र है, ये जो सीमा है ये किससे लगती है, चाइना से। लेकिन चाइना की सीमा पाकिस्तान से नहीं लगती, पाकिस्तान और चाइना में जो रास्ता जा रहा है वो पीओके से होके ही जा सकता है, ठीक है। तो आपको पता है जो ओवर प्रोजेक्ट है वो यहीं होके जा रहा है पीओके क्षेत्र से होकर, ठीक है। पाकिस्तान लोकेशन आपको पता होगी। इधर अगर हम देखें तो ये हो गया तुर्कमेनिस्तान, तुर्कमेनिस्तान के ऊपर आ गया उज्बेकिस्तान, उज्बेकिस्तान के ऊपर अगर ये देखेंगे आप ये कजाकिस्तान हो गया। तो आपको मतलब नाम से पता होना चाहिए यार ये कहाँ पर है, तुरंत आपको पता होना चाहिए कि कजाकिस्तान है वो रूस का पड़ोसी है, ठीक है। कजाकिस्तान है वो क्या है, रूस का पड़ोसी है। इसके अलावा अभी मैं सिर्फ आपको पॉलिटिकल लोकेशन बता रहा हूँ, ठीक है ना, इसके बाद इसमें इतनी चीज़ें हैं वो भी देखेंगे। इसके बाद अगर देखें तो मंगोलिया चीन के ऊपर हो गया, मंगोलिया चीन और रूस के बीच में, और ये जो पूरा एरिया दिख रहा है ये आपको ये जा रहा है, ये जा रहा है चीन का, देखो ये चीन है, चीन बहुत बड़ा है, देखो चीन है, ये पूरा चीन है, ये चीन है पूरा। और इसके बाद ये आ गया आपको दिख रहा है ये भूटान, और सॉरी ये भूटान हो गया और नेपाल हो गया, और नेपाल हो गया। और भारत के पूर्व में दक्षिण पूर्व में जाएंगे, दक्षिण पूर्व में पहले पड़ेगा म्यांमार, ठीक है ना। म्यांमार के जस्ट बगल में और पूर्व की तरफ जाएंगे दक्षिण पूर्व में तो थाईलैंड है, थाईलैंड के ऊपर अगर आगे जाएंगे हम तो लाओस, ठीक है ना, लाओस से आगे जाएंगे तो वियतनाम, और वियतनाम के आगे जाएंगे कंबोडिया। देखो ध्यान रखना इसमें आपको लोकेशन क्या ध्यान रखना है, अभी आगे भी देखेंगे हम कि किसकी सीमा किससे लगती है। तो एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट तो यह है कि दक्षिणी पूर्वी एशिया का एकमात्र देश ऐसा है लाओस, जिसकी सीमा समुद्र से नहीं लगती, जिसकी वाटर बाउंड्री नहीं है। लाओस क्या है, लैंड लॉक कंट्री है, लाओस क्या है, लैंड लॉक कंट्री है, ये ध्यान रखना। सार जो आसियान का जो देश है, आपको पता है आसियान में 10 देश है, आसियान के 10 देशों को मैं अगर गिना दूं आपको एक बार, ये देखो आसियान में 10 देश आते हैं, पहले पे हो गया म्यांमार, ठीक है, दूसरा पे हो गया लाओस कर ले, तीसरा हो गया थाईलैंड, थाईलैंड इसका ही देश है, चौथा हो गया मलेशिया, पाँचवा हो गया इंडोनेशिया, और छठा पे हो गया ब्रुनेई, ठीक है ना, सातवा पे हो गया वियतनाम, और आठवा पे हो गया सिंगापुर, और नौवा पे हो गया कौन सा, ये हो गया फिलीपींस, नौवा फिलीपींस, और दसवा पे हो गया कंबोडिया। ये 10 देश है आसियान के, इनकी लोकेशन आपको पता होनी चाहिए। और इसमें जो देखें हम तो सबसे बड़ा क्षेत्र में फैला हुआ देश है वो है इंडोनेशिया, इंडोनेशिया यहाँ से फैला हुआ है, इंडोनेशिया की सीमा जरूर याद रखना। यहाँ से एक क्वेश्चन तो आपसे ये आ सकता है कि इंडोनेशिया की भारत से सीमा लगने वाला देश, पहली बात तो आसियान की सीमा कौन कौन से ऐसे देश है जिनकी भारत से सीमा लगती है,
ये क्वेश्चन एक तो यहाँ से आ सकता है। तो देखो बाढ़ से सीमा लगने वाले देशों की अगर श्रेणी बात करें हम, तो एक तो लगता है म्यांमार की, म्यांमार की तो लगती है कौन सी सीमा भारत के साथ, लैंड बॉर्डर, भूमि सीमा लग, भूमि सीमा लगती है इधर। उसके बाद अगर हम बात करें म्यांमार के बाद, तो भारत की में लगती है एक तो थाईलैंड की सीमा समुद्र के साथ लगती है, मलेशिया की सीमा ये समुद्र के साथ लगती है, समुद्री सीमा साथ में लगती है, और इंडोनेशिया की सीमा अंडमान निकोबार के साथ लगती है। और इंडोनेशिया का कौन सा द्वीप है, ये भी कई बार पूछा गया है कि इंडोनेशिया का कौन सा, आपको पता है इंडोनेशिया एक ऐसा देश है जो पूरी तरह द्वीपों पर बसा हुआ है, आइलैंड पर बसा हुआ है। तो इंडोनेशिया का जो सुमात्रा आइलैंड है वो भारत के साथ बॉर्डर लगाता है, कौन सा, सुमात्रा, आपको ध्यान रखना है, ये सुमात्रा हुआ इंडोनेशिया के समुद्र द्वीप है, फिर इंडोनेशिया का इसके पूर्व की तरफ जाएंगे तो ये कौन सा हो गया, ये जावा द्वीप है, फिर जावा से और आगे जाएंगे तो तिमोर आ जाएगा, ठीक है, इसलिए ये हो गया कौन सा, इंडोनेशिया, कौन सा, इंडोनेशिया का, ठीक है। इसके अलावा एक एक चीज़ को हम आगे भी देखेंगे, मैं जस्ट एक लोकेशन के लिए बता रहा हूँ कितनी है, बाकी आगे बहुत चीज़ आएंगी, आपको समझना है कि लोकेशन कहाँ कहाँ पे, ठीक है। इसके अलावा एक आइलैंड है, ये ब्रूनेई आइलैंड बोलते हैं इसको, इस आइलैंड, ये एक ऐसा आइलैंड जो तीन देशों के साथ बटा हुआ है, ये आइलैंड जो आपको दिख रहा है आइलैंड तीन देशों के साथ है। इसमें अगर बात करेंगे दक्षिण वाला जो आइलैंड वाला क्षेत्र है वो तो आएगा इंडोनेशिया का अधिकार क्षेत्र में, ठीक है। इसके बाद इसके जो ये नॉर्थ में आ रहा है, ये आ रहा है किसके, ब्रुनेई के क्षेत्र में, और इसके जो इधर वाला आ रहा है ये आ रहा है मलेशिया के क्षेत्र अधिकार में। तो ये आइलैंड तीन देशों के क्षेत्र अधिकार में डिवाइड, ठीक है। इसके बाद ये फिलीपींस हो गया, इसकी लोकेशन देखो फिलीपींस की सीमा ताइवान से लगती है, हम देखेंगे इनको कौन सी संधि अलग करती है वो भी। ये ताइवान हो गया, ताइवान जब भी आपके मन में आए ध्यान रखना ताइवान चीन के पूर्व में है, और ये जो हैंग जो हांगकॉन्ग है ये थोड़ा सा यहाँ पड़ जाता है वियतनाम के ऊपर में, और ये वियतनाम भारत के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वियतनाम देखो ये वियतनाम है यहाँ तक ये वियतनाम दिख रहा होगा, और वियतनाम है इसकी चाइना के साथ खूब दुश्मनी है क्योंकि पड़ोसी भी है और कई क्षेत्रों को लेकर के इनमें डिस्प्यूट भी है, ठीक है। इसके अलावा ये हो गया आपको जापान, ध्यान रखना ये जापान के चार द्वीप हैं, आपको जापान के चार द्वीपों की लोकेशन पता होनी चाहिए क्योंकि जापान आपको पता है चार बड़े द्वीपों पर बसा हुआ है, और जापान के चार बड़े द्वीपों की बात करूँ तो सबसे पहला अगर हम बात करें यहाँ से लोकेशन दोबारा देखना, ये जो सकालिन वाला क्षेत्र है ये रसिया का है, और आपको पता है कि 1905 में जापान और रसिया में जो युद्ध हुआ था वो इस सकालिन क्षेत्र को लेकर ही हुआ था, और जापान ने सकालिन क्षेत्र का अधिकार कर लिया, और इस सकालिन जो क्षेत्र है ये एक द्वीप है। तो आपसे पहली बात यही पूछा जाता है कि सकालिन द्वीप कहाँ पर है, तो सकालिन द्वीप उत्तरी प्रशांत महासागर में है, या जापान के उत्तर में है, या रसिया के दक्षिण पश्चिम में है, दक्षिन पूर्व में है, तो यहाँ आपको सकालिन का पता होना चाहिए। ये क्वेश्चन डायरेक्ट आपसे पूछा गया है, स्टेटमेंट पूछा गया है, यूपीएससी ने पूछा है, पीसीएस ने पूछा गया है, इसलिए आपको लोकेशन जरूर पता होनी चाहिए। जितनी भी लोकेशन मैं बोल रहा हूँ वो आपके मन और मस्तिष्क में बैठनी चाहिए, ठीक है। जापान के चार द्वीप है वो आपको पता होना चाहिए, जापान का एक द्वीप तो ये हो गया होकेडू जो सबसे नॉर्थ में है, इसका ध्यान रखना जापान का होकेडू द्वीप सबसे नॉर्थ में है, और जापान के होकेडू द्वीप की सीमा रशिया के साथ लगती है, ठीक है। और इसके बाद जापान का दूसरा द्वीप है होंसू, जापान का दूसरा द्वीप है होंसू, तीसरा है सेकोकू, और दक्षिण में आएंगे तो, और दक्षिण में आएंगे तो क्यूशू, जापान के चार द्वीप आपको पता होना चाहिए, होकेडू होंसू सेकोकू और क्यूशू, ये जापान के चार द्वीप, ठीक है ना, ये आपके बारे में पता होना चाहिए, इसको वेरी बेसिक इन्फॉर्मेशन। इसके अलावा आप ये नॉर्थ कोरिया देखेंगे, नॉर्थ कोरिया की सीमा है चाइना से लगती है, साउथ कोरिया की चाइना से नहीं लगती, ठीक है ना, तो ये लोकेशन हो गई। ये तो ये यहाँ तक आपने चीज़ें देख ली, अब मैं आपको थोड़ा सा एक एक लोकेशन आगे भी आएंगे उनको देखेंगे, ठीक है ना। तो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दी है, अगर इसमें से आपको क्या पढ़ना है कैसे नोट्स बनाने वो भी मैं बता देता हूँ। देखो सबसे पहले आपको यहाँ जो नोट्स बनाने हैं, यहाँ नोट्स बनेंगे आपके, तो एक चीज़ ध्यान रखना कैसे बनाने हैं अभी बता दूँ मैं आप लोगों को। देख एक तो ना आपको नोट्स बनाते चाहे ऊपर ऊपर से आना है, कैसे कि ये जापान है इसकी सीमा किस किस से लगती है, जापान को बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ से क्वेश्चन पूछ लेते हैं, फिर सकालिन की ये कहाँ कहाँ पर है, और दूसरी बात ये अकोष्टक सागर है, अकोष्टक सागर की सीमा किससे लगती है, अकोष्टक सागर केवल और केवल रसिया से ही लगता है, ठीक है ना, इसकी सीमा रसिया से लगती है, ठीक है ना, ये आपको पता होना चाहिए। और ये क्यूरल आइलैंड ये बहुत ही डिस्प्यूटेबल आइलैंड है रसिया और जापान के बीच में, तो ये पता होना चाहिए क्यूरल आइलैंड कहाँ है, पहली बात तो क्यूरल आइलैंड मतलब क्यूरल द्वीप कहाँ है,
किसके बीच में विवादास्पद है? ये रसिया और जापान के बीच में विवादास्पद मुद्दा है, ठीक है ना। फिर रसिया की अगर लोकेशन हम देखें तो रसिया के पूर्व में पड़ता है जापान सागर, रसिया के दक्षिण में पड़ता है ईस्ट चाइना सागर, और रसिया के अगर ध्यान रसिया के पश्चिम सॉरी गलत बोल दिया जापान के पश्चिम में पड़ता है जापान सागर, और दक्षिण में पड़ता है दक्षिण चीन सागर, और पूर्व में पड़ता है प्रशांत महासागर, और नॉर्थ में पड़ता है अकुष्टक सागर। ये जापान से रिलेटेड आपको डेटा यहीं से कलेक्ट करना है, जापान लिखना है उसके साथ साथ ये डेटा लिख लेना है, ठीक है। इसके बाद आपको येलो सी के बारे में पता होना चाहिए, येलो सी कहाँ पर, हालांकि सारे सी आगे भी आएंगे, ठीक है, लेकिन फिर भी आप देख लेना येलो सी की सीमा किस किस के साथ लगती है। तो येलो सी की सीमा अगर देखेंगे तो नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया और चाइना, इसके साथ येलो सी की सीमा लगती है। ताइवान कहाँ पर है? तो ताइवान देख लो चाइना के अलग एक आइलैंड है। और इसके बाद ताइवान और फिलीपींस के बीच में कौन सी जल संधि है? तो एक है लुजान जल संधि। लुजान जल संधि के बारे में इंफॉर्मेशन जरूर लिख लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लुजान जल संधि क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि लुजान जल संधि एक तो ताइवान प्लस फिलीपींस को जोड़ती है, एक तो इंपॉर्टेंट है, और दूसरी बात ये दक्षिणी चीन सागर है इसको प्रशांत महासागर से, या दक्षिणी चीन सागर है इसको फिलीपींस महासागर से जोड़ती है। ध्यान प्रशांत महासागर के अंतर्गत छोटे छोटे सागर है और उनमें से फिलीपींस सागर ये, तो साउथ साउथ चाइना सी और फिलीपींस सी को जोड़ने वाली जल संधि का नाम क्या है? लुजान जल संधि, या वो पता, या प्रशांत महासागर और साउथ चाइना सी को जोड़ने वाली जल संधि कौन सी थी, भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा ये जो देश है इनकी लोकेशन आपको पता होनी चाहिए आसियान देशों की, ठीक है ना। कई बार भारत से ये पूछा जाता है कि भारत से पूर्व की ओर पश्चिम की ओर जाते हुए या पश्चिम से पूर्व की ओर जाते हुए कौन सा आसियान के देश पड़ेंगे, किस तरह की उसकी बाउंड्री है, तो उसकी लोकेशन आपके मन होनी चाहिए कि पहले म्यांमार पड़ेगा, म्यांमार से थोड़ा आगे जाएंगे तो कुछ थाईलैंड का ऐसा आएगा, फिर थाईलैंड के उत्तर में जाएंगे थोड़ा सा तो लाओस आ जाएगा, फिर लाओस से अलग थोड़ा सा आगे जाएंगे वियतनाम आ जाएगा, फिर चाइना सी आएगा ये, फिर सिंगापुर खाएं, सिंगापुर यहाँ पर एक बिंदु पर ही है, ठीक है, सिंगापुर ही हो गया, ठीक है। ये तीन देशों के बीच में ये विवाद ये बटा हुआ है, ये आईलैंड, ठीक है ना। फिर जावा सागर खाएं, तो जावा जो द्वीप है इंडोनेशिया का उसके उत्तर में जावा सागर है, फिर सुमित्रा सागर सुमित्रा द्वीप हो गया। इतनी लोकेशन आपको दक्षिण पूर्वी क्वेश्चन एक तो यहाँ से आते हैं इस लोकेशन से, इसलिए मैं इसको ध्यान दे रहा हूँ आपको, ठीक है। इसके अलावा चाइना के बहुत सारे देश पड़ोसी लगते हैं, ठीक है ना। तो जो चाइना के पड़ोसी देश हैं उनकी सीमा जरूर याद रखना, चाइना के साथ बहुत देश पड़ोसी लगते हैं। अगर हम देखें एक एक को, एक हो गया इंडिया इसका पड़ोसी, ठीक है, दूसरा हो गया भूटान इसका पड़ोसी, तीसरा नेपाल, चौथा अगर बात करें तो भारत, ये इधर हो गया इसका, हम बात करें तो इसका अफगानिस्तान, एक बार लोकेशन देखना अफगानिस्तान आ रहा नहीं आ रहा। इसके बाद हो गया ताजिकिस्तान, फिर हो गया किर्गिस्तान, फिर हो गया चाइना का पड़ोसीस्तान कजाकिस्तान, फिर चाइना का पड़ोसी हो गया रसिया और मंगोलिया, मंगोलिया के बाद नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया, और जापान की सीमा तो नहीं लगती लेकिन जापान की बॉर्डर बाउंड्री इसके साथ लगती है। जापान, जापान के बाद ताइवान, ताइवान, ताइवान के बाद इधर हो गया वियतनाम, ठीक है ना, वियतनाम के बाद लाओस, और लाओस के बाद अगर ध्यान रखना, लाओस के बाद ध्यान रखना थाईलैंड की सीमा चाइना के साथ नहीं लगती, कंफ्यूज मत होना, म्यांमार, इतने देशों की सीमा चाइना के साथ लगती, लगभग 13 देश होंगे 13 से 14 देश, तो चाइना के साथ बहुत देशों की सीमा लगती है, और चाइना के साथ बहुत देशों की सीमा लगने के बाद चाइना का बहुत देशों के साथ विवाद भी है सीमा को लेकर के, ठीक है ना। इतनी लोकेशन आपको पता लग चुकी होंगी इस मैप के थ्रू। एक लोकेशन आपको पश्चिमी एशिया और मध्य एशिया के बारे में जरूर पता होना चाहिए। अगर हम मध्य एशिया की बात करें, मध्य एशिया में सारे स्थान वाले जो पांच देश हैं इनको मध्य एशियाई देश बोलते हैं, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ताजिकिस्तान, किर्गिस्तान। एक तो ये चीज ध्यान रखना, सारे देशों की जहां तक संभव हो कैपिटल जरूर याद होनी चाहिए, कैपिटल तो आपको सारे देशों की याद होनी चाहिए, मतलब जरूर जहां भी आप नोट डाउन कर रहे हैं इसकी कैपिटल जरूर नोट डाउन कर देना, ठीक है। तो कैपिटल आपको कम से कम पता होना चाहिए, और कम से कम किसी की नहीं हो तो मध्य एशियाई देशों की कैपिटल जरूर पता होना चाहिए। इनको लेकर क्वेश्चन कई बार पूछे जाते हैं मध्य एशियाई देशों को, क्योंकि यहाँ की जो कैपिटल है उनका भारत से बहुत पुराना रिश्ता रहा है, ताशकंद समझौता, तो ताशकंद समझौता, अगर हम ताशकंद की बात करेंगे तो ताशकंद शायद उज्बेकिस्तान की राजधानी है, ठीक है ना। तो ताशकंद समझौता, ये इसलिए इनकी लोकेशन जरूर जाना। इसके बाद आपको अरब प्रायद्वीप के बारे में देखना है। अरब प्रायद्वीप में देखो बहुत देश आते हैं। अरब प्रायद्वीप की अगर मैं बात करूँ तो अरब प्रायद्वीप में अगर देखें हम, ये जो वाला एरिया है, ये वाला एरिया है इधर, ये पूरा अरब प्रायद्वीप में आता था। ये मिस्र है, ये भी अरब प्रायद्वीप का भाग है, आपको बताओ तो, ठीक है ना। और ये बाकी ये देश है, ये अरब के, यमन, ओमान, सऊदी अरब, ये भी अरब प्रायद्वीप में आते हैं। इनकी लोकेशन है और भी आगे हम देखेंगे, तो आपको थोड़ा थोड़ा पता होना चाहिए कि कौन सी चीज़ें कहाँ पर है।
है ना। अब मेरा कहने वाला जब भी आगे दक्षिण, ये एशिया है ठीक है ना पूरा, अब ये एशिया हम बोले तो ये हो गया मध्य एशिया वाला पार्ट, ये होगा मध्य, ध्यान रखना इनको मध्य पूर्व एशिया भी बोलते हैं, मध्य पूर्व बोलते हैं, मध्य पूर्व के देश, मध्य पूर्व आपने सुना होगा, मध्य पूर्व के देश, मिडल ईस्ट। अब इसका रीजन क्या है, इसका रीजन क्या है, ये मिडल ईस्ट पूरे ग्लोबल लेवल पर इनको बोला जाता है। क्यों बोला जाता है, क्योंकि ये ईस्ट में आते हैं पहली बात, तो अपन आपको पता है भारत ईस्ट, एशिया की लोकेशन ईस्ट है, ईस्ट का मतलब किस आधार पर, देशांतर स्थिति के आधार पर, तो आपको पता है हम जो 0 डिग्री देशांतर उसके ईस्ट में आते हैं ठीक है ना, और इधर वाले जो जाते हैं उनको बेस्ट, तो जो हम यूरोप अमेरिका के देश है इनको बेस्ट क्यों बोलते हैं, क्योंकि बेस्ट में आते और हम ईस्ट में आते इसलिए हम ईस्ट बोलते हैं ठीक है ना। तो ये जो ईस्ट के भाग है, लेकिन ईस्ट में ये मध्य वाला भाग है, ध्यान देखना ईस्ट में लगभग इनको मध्य वाला देश बोला जाता है, तो मध्य पूर्व के देश है वो, ये अरब कंट्री है, इनको मध्य पूर्व का देश भी बोला जाता है ठीक है। और एशिया की दृष्टि से पश्चिमी एशिया है, ध्यान रखना एशिया में तो कौन सा भाग है, पश्चिमी एशिया है, तो पश्चिमी एशिया जब भी नाम है तो नहीं का नाम याद रखना, तो पश्चिमी एशिया के देश। ये एक आपको एशिया के बारे में बेसिक, उसकी लोकेशन, उसके देशों की बेसिक चीज़ें आपको पता लग चुकी है ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, तो एशिया आपको पता है कि 5 भागों में बटा हुआ है एशिया को। एक तो उत्तरी निम्न भूमि, देखो एशिया की उत्तरी निम्न भूमि, ये उत्तरी निम्न भूमि होगी, ये बहुत निम्न भूमि है, यहाँ पर मुख्य रूप से मैदानी भाग है लेकिन सारे एरिया में बर्फ जमी हुई है ठीक है ना। एक तो ये हो गई, दूसरा दक्षिणी पठार क्षेत्र, तो एशिया का जो ये भाग है पूरा पठारी क्षेत्र आपको पता है, पर्वत भी है यहाँ पर, इसके अलावा तिब्बत का पठार दुनिया का सबसे बड़ा पर्वत पठार है, ये पढ़ेंगे इन दोनों से। एशिया का तीसरा भाग इन्होंने किया है केंद्रीय पर्वत, तो ये केंद्रीय पर्वत है, ये देखो ये पर्वतीय क्षेत्र केंद्रीय पर्वत, ये पूरी एशिया का केंद्रीय भाग है, पूरा पर्वत ही पर्वत है इसमें, ये आपको इतना से पता होना चाहिए कि कौन सा पर्वत कहाँ पर है ठीक है ना। तो एशिया का पर्वतीय पठार हो गया, फिर एशिया का एक भाग मरुस्थल, तो आपको पता है ये मरुस्थल वाला क्षेत्र है वो देखेंगे, एशिया का मरुस्थल हो गया। एक एक मरुस्थल की लोकेशन आपको पता होनी चाहिए, हालांकि मैंने लोकेशन मैप में भी दिखाई है और मैंने लोकेशन को मैप के थ्रू थ्रू आप में लिखा भी है, ताकि कई बार हम मैप में से कुछ चीज़ें कन्फ्यूजिंग हो जाती है तो भी आपके समझ में आ जाना चाहिए ठीक है। तो अब चलते हैं एशिया के बारे में थोड़ा सा, तो एशिया को अगर देखें तो बेसिकली नॉर्मली इसको 5 भागों में बांटा गया है। पहला है उत्तरी निम्न भूमि, तो ये उत्तरी निम्न भूमि की लोकेशन अगर देखें तो पश्चिम में यूराल पर्वत और पूर्व में लीनर रिवर, ध्यान रखना। अब जाओ मैप पे, पश्चिम में यूराल पर्वत एरिया, पश्चिम में ये हो गया यूराल पर्वत ठीक है, और पूर्व में लीना नदी, ये हो गए, ये लीना नदी रशिया में बहती है, लीना नदी रशिया में बहती है और जाती कहाँ पर है, ये उसमें गिरती है लीना नदी, अगर बात करें हम तो लीना नदी जाकर के गिरती है इधर नॉर्थ सागर में ठीक है ना। यहाँ एक सागर है जिसका नाम है लेप्ते सागर कुछ ऐसा है, तो आपको पता होगा ये पूरा जो एरिया है इस एरिया को बोलते हैं सेंट्रल डाउनलैंड निम्न भूमि, ध्यान रखना ये भाग बिल्कुल पता आ गया होगा ना आपके समझ में कहाँ से कहाँ तक है, पश्चिम में यूराल पर्वत इधर पूर्व में लीना नदी तक फैला हुआ है, इसे साइबेरिया मैदान के नाम से जानते हैं, तो आपको पता होना चाहिए पूरा साइबेरिया मैदान है ना, और लिखा हुआ है ये पश्चिमी साइबेरिया मैदान, ये सेंट्रल साइबेरिया मैदान और ये पूर्वी साइबेरिया मैदान ठीक है। तो साइबेरिया मैदान की लोकेशन आपको पता होना चाहिए, पूरा रशिया के क्षेत्र में ही आता है ठीक है। इसके अलावा बेकाल झील भी यहीं पर है, अब आपको पता चाहिए बेकाल झील कहाँ पर है, बेकाल झील रशिया में है और किस में है, साइबेरिया क्षेत्र में है। अब खाएं हम इसकी लोकेशन को ढूंढते हुए आगे बढ़ते हैं, तो देखो ये रही लैंड बेकाल, लेक बेकाल, तो देखो लेक बेकाल ये रही, और लेक बेकाल है ये रशिया में ही आते, ध्यान रखना। तो रशिया में ये तीन इन्फॉर्मेशन आपको बहुत कुछ नॉलेज दे देंगी, कि बेकाल झील को लेकर के क्वेश्चन आता है तो आपके मन तुरंत जाएगा कहाँ पर है, साइबेरिया के भाग में है, सेंट्रल साइबेरिया में आती है, रशिया में आती है ठीक है ना। और बेकाल झील यहीं पर है, और विश्व की सबसे गहरी झील, ध्यान रखना दुनिया की सबसे डीपेस्ट लेक बेकाल झील है, बहुत गहरी है, और पृथ्वी के जितने भी जल हैं शुद्ध जल, शुद्ध जल आपको पता है पृथ्वी पर लगभग 1.97% है, कुछ बहुत कम परसेंटेज है, नहीं 97 तो कुछ ये तो है अशुद्ध जल, लगभग 2 पॉइंट के समथिंग शुद्ध जल है पूरी पृथ्वी पर। तो दुनिया का सबसे जो गहरी झील हो गई, पहला फैक्ट तो ये हो गया बेकाल झील, दूसरा कहाँ पर है ये भी आपको इंपॉर्टेंट पता होना चाहिए, क्वेश्चन एक भी हो गया, तीसरा कहाँ पर है इसको कई आधार पर पूछ सकते हैं, ये रशिया में है या साइबेरियन क्षेत्र में है या ये उत्तरी निम्न भूमि क्षेत्र में है, तो सभी जगह आपको पता होगा। इसके अलावा ये सबसे गहरी है, ये क्वेश्चन ऐसे आ सकता है, और इसके अलावा दुनिया के 20% शुद्ध जल का 20% स्टोर करके रखी हुई है, तो ये हो गया उत्तरी निम्न भूमि क्षेत्र वाला। इसके बाद आता है दक्षिणी पठारी क्षेत्र, तो ये आपको जितने भी पठारी क्षेत्र देखेंगे अभी ठीक है ना, ये पठार देख रहे हैं आपने देखा होगा, अरे यार
तो ये जो पठार क्षेत्र आएंगे इसमें, अगर इसमें पठार आए, ये पठार है पूरे, ये मंचूरियन, ये तो ये हो गया तिब्बत का पठार, ठीक है ना, ये सारे पठारी क्षेत्र हो गए। तो इसका जो पठारी क्षेत्र है, तो पठार कितने पठार है इसमें, तो देखो अगर हम बात करें तो अगर पूर्व पश्चिम से पूर्व इनकी लोकेशन देखें, हम चल रहे वेस्ट टू ईस्ट, तो वेस्ट टू ईस्ट चलते हैं, अरब का पठार कहाँ है, देखो ये जी अरब का पठार, अरबियन प्लेन, ये अरब का पठार है, अरब के पठार के बाद ईरान का पठार, तो देखो ये लोकेशन, ये ईरान का पठार हो गया, ठीक है। चलो इसको मैं दो स्लाइड में खोल लेता हूँ, एक मिनट। इनकी लोकेशन देखो पश्चिम से पूर्व की ओर, तो देखो पश्चिम से पूर्व की ओर अगर इनकी लोकेशन देखें तो पश्चिम में आएगा अरब का पठार, ये हो गया देखो अरब का पठार, ये पूरा अरब का पठार के क्षेत्र में जाने जाते हैं, ये अरब पठार है। ईरान का पठार, ईरान का जो क्षेत्र है ये ईरान का पठार हो गया। इसके बाद कजाकिस्तान अपलैंड, ये कजाकिस्तान की जो भूमि है ये वाली, ये वाली, ये ध्यान रखना, ये तो पूरा मीन इसके, तो ये हो गया अपलैंड का मतलब पठारी जैसी भूमि होती है। इसके बाद आपने देखा होगा दक्कन का पठार, ये भारत का दक्कन का पठार, ध्यान रखना पूरब में जा रहा है ना, इधर से इधर, ये कौन सी है वेस्ट टू ईस्ट। यूपीएससी बहुत क्वेश्चन लोकेशन के आधार पूछती है, वो आपसे ऐसे नहीं पूछेगी कि अरब का पठार कहाँ पर है, सबको पता है कि अरब का पठार कहाँ पर है, वो पूछेगी कि पूरब से पश्चिम सिक्वेंस बताओ, या पूरब से पश्चिम या पश्चिम से पूरब, किसी भी तरीके से सिक्वेंस आपसे पूछ सकती है। इसलिए आपको ध्यान रखना है पूरब माता, पश्चिम माता, नॉर्थ माता, साउथ माता, ये लोकेशन जरूर ध्यान रखनी है। तो देखो अब मैं पश्चिम से पूरब की ओर जा रहा हूँ, सऊदी अरब आ गया, ये अरब का पठार हो गया, ईरान का पठार हो गया, कजाकिस्तान का पठार हो गया, ये क्षेत्र भारत का पता, दक्कन का पठार हो गया। इसके अलावा आगे जा रहा हूँ, ध्यान रखना ये, और आगे जा रहा हूँ तिब्बत का पठार है, यह होता है तिब्बत का पठार हो गया। इसके आगे जा रहा हूँ पामीर का पठार है, तो यहीं पर पामीर का पठार हो जाता है, ठीक है ना, यहाँ, ठीक है ना, तिब्बत के पठार में ही ऊपर उसके पामीर का पठार हो जाता है। इसके बाद आर्मेनियन का पठार है ना, तो आर्मेनियन का पठार की अगर मैं बात करूँ, ये आर्मेनियन का पठार है, ये इधर है कहीं, ये मंगोलिया की साइड में, और केंद्रीय साइबेरिया भूमि, तो यहाँ आपको पता है ये आ गई केंद्रीय साइबेरिया भूमि, तो सब पूर्व में जा रही नहीं जा रही, ये केंद्रीय साइबेरिया भूमि होगी, ठीक है ना, ये इसमें लोकेशन में नहीं दिया हुआ है आर्मेनियन का पठार, लेकिन ये मंगोलिया के पास में आएगा, ठीक है। इसके अलावा मंगोलिया का पठार, ये पूरा मंगोलिया का पठार ही हो गया, और यूनान का पठार, ये इधर चाइना हो जाएगा, यूनान का पठार इधर यही है, ठीक है, ये चाइना में होता है यूनान पठार। तो ये लोकेशन के आधार पर पठारी क्षेत्रों को क्लासिफिकेशन दिया गया, तो ये पठारी भूमि है, ठीक है। अब एक एक को देख लेते हैं, तिब्बत का पठार कहाँ पर है, ये तो इनकी लोकेशन के आधार पर दिए, तो देखो तिब्बत का पठार है, इसकी लोकेशन दे दी आपको, देख रहा होगा तिब्बत का पठार, ये तिब्बत के क्षेत्र में, हिमालय के उत्तर में और चाइना के क्षेत्र में फैला हुआ है, ये तिब्बत का पठार है, दुनिया का सबसे बड़ा एवं सबसे ऊंचा पठार है तिब्बत का पठार। एक फैक्ट इसका बहुत इंपॉर्टेंट है, दुनिया का सबसे बड़ा एवं सबसे ऊंचा पठार है, उसे हम तिब्बत का पठार बोलते हैं। इसकी अगर लोकेशन देखें तो देखो टकला मकान पठार और है, ये है ना, इसमें देखना ही नहीं होगा, टकला मकान पठार है ये, यहाँ पर है यहाँ चाइना में, और ये टकला मकान पठार आपसे डायरेक्ट पूछा जा सकता है, टकला मकान पठार है ये चाइना में है, ठीक है ना, और ये तिब्बत का पठार है, ये उत्तर में तो टकला मकान पर्वत है और पठार है, और दक्षिण में हिमालय पठार है, पर्वत है, इन दोनों के बीच में घिरा हुआ है। तो इसकी लोकेशन ध्यान रखना, उत्तर में टकला मकान का पठार और दक्षिण में हिमालय पर्वत, इन दोनों के बीच में तिब्बत का पठार पड़ता है। अब आप कन्फ्यूज ना हो, इसलिए आपको समझ में आना चाहिए कि तिब्बत के पठार का क्षेत्र कहाँ कहाँ पर फैला हुआ है, तो ध्यान रखना चीन में, नेपाल में, इंडिया में, भूटान में, ताजिकिस्तान और किर्गिस्तान। तो ये देखो अब हमारे समझ में आया होगा तिब्बत के पठार की लोकेशन, ये तिब्बत के पठार की लोकेशन देखो, तो ये हो गया चाइना, ये हो गया नेपाल, भूटान, ये हो गया इंडिया, ये हो जाएगा ताजिकिस्तान और हो जाएगा किर्गिस्तान। ध्यान रखना इसमें ये कजाकिस्तान में नहीं फैला हुआ, ये कन्फ्यूज मत होना, ये कजाकिस्तान में नहीं फैला हुआ, कजाकिस्तान में तो खुद कजाकी पठार है, ठीक है ना, तो ये आपको जरूर ध्यान रखना है। और तिब्बत के पठार को दुनिया का तीसरा पोलर बोलते हैं, दो पोलर तो आप जानते हो, ये हो गया नीचे वाला साउथ पोलर और उत्तर वाला हो गया नॉर्थ पोलर, और इनके अलावा दुनिया में एक पोलर और है जिसे बोलते हैं तिब्बत का पठार। क्यों पोलर बोलता है, क्योंकि दुनिया में जो बर्फ़ है वो तीसरी सबसे ज़्यादा बर्फ तिब्बत के पठार पर जमी हुई है, और तिब्बत का पठार कई नदियों के जल का स्रोत भी बनता है, और तिब्बत का पठार दुनिया में तीसरी सबसे ज्यादा बर्फ यहीं पर जमी हुई है, इसलिए इसको तीसरे द्रव की श्रेणी में रखा जाता है। अब तिब्बत के पठार से संबंधित जानकारी आपको आगे समझ में। इसके बाद अरब पठार की मैं बात करूं तो हमने पढ़ा ही था ये पूरा अरब पठार, ठीक है, पश्चिम एशिया से पे, और अरब पठार पश्चिम एशिया का रहिए, ये पेट्रोलियम भंडार के लिए बहुत फेमस है। किसके लिए? पेट्रोलियम के लिए। इसके बाद आता है पामीर का पठार। देखो पामीर का पठार आप खाएं
तो पामीर का पठार है तो तिब्बत के पठार के ही है, लेकिन पामीर के पठार की अगर लोकेशन देखेंगे हम तो पामीर का पठार ना इनमें फैला हुआ है, ये तीन देशों में। ये है पामीर का पठार, लोकेशन बता दो। ये पामीर पठार देख, लोकेशन हाईलाइटेड, ये हो गया पामीर का पठार देख, ये ठीक है। तो पामीर का पठार कहाँ कहाँ पे है? तो पामीर का पठार है ये पश्चिमी चीन, ताजिकिस्तान, अफगानिस्तान। और पामीर का पठार एक जंक्शन के रूप में काम करता है। अब आपको पता है जंक्शन कैसे रूप में काम करता है? जंक्शन के रूप में ये देखो, ये पामीर का पठार है, जंक्शन का मतलब आपको वहाँ कई चीज़ें आकर मिलती हो, ठीक है ना। तो देखो पामीर के पठार में अगर हम देखें, पामीर पठार में तो पामीर के पठार में ये पामीर का पठार यहाँ हो जाएगा लगभग लगभग। तो यहाँ एक तो इसके यहाँ एक तो इधर की साइड अगर देखेंगे तो इधर पड़ता है तियान पर्वत। ये जो तियान पर्वत, ये तियान पर्वत है, मैंने हाईलाइट अंदर किया है, ये तियान पर्वत है। देखो तियान पर्वत, तियान पर्वत है, ये किर्गिस्तान और चाइना की बॉर्डर पे। तो इसके एक तो इधर आ गया, इसके उत्तर 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 पश्चिम में आ गया कौन सा? तियान पर्वत। फिर इसके इधर अगर मैं बात करूँ उधर पूरब में, तो पूरब में पड़ता है कुल्लू पर्वत। और इसके दक्षिण पूर्व में बात करूँ तो यहाँ को पता है हिमालय पड़ता है। इसके दक्षिण दक्षिण में यहाँ एक सुलेमान की वो पड़ेगी, हम आगे देखेंगे सुलेमान की पर्वत पड़ती है। और इधर इसके दक्षिण पूर्व दक्षिण पश्चिम में यहाँ यहाँ पड़ता है काराकोलम, यहाँ पड़ेगा काराकोलम, यहाँ आपको देखेगा हम पढ़ेंगे काराकोलम पढ़ते हैं यहाँ, ठीक है ना। यह तियान शान पर्वत देखते हैं, ठीक है ना। और यह हिमालय हो गया। तो इस प्रकार इसलिए कई चीज़ें आकर के मिलती है यहाँ पर पामीर के पठार पर, इसलिए इसको जंक्शन के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद आ गया केंद्रीय भूमि, केंद्रीय पर्वत। और केंद्रीय पर्वतों में आपको पता है, देखा ही है हमने कि केंद्रीय पर्वतों के अंतर्गत अगर हम देखें तो ये देखो केंद्रीय पर्वतों के अंतर्गत हम देखेंगे यहाँ से ये आ गए वो सारे पर्वत। अब आपको समझ में आ गया होगा, देखो ये हो गया तियानशेन, ये चाइना में आता है और चाइना और किर्गिस्तान की बॉर्डर पर पड़ता है। फिर ये काराकोलम तो आपको पता है भारत में है ना, ये तिब्बत का पठार हो गया, ठीक है ना। ये कुनलुन पर्वत चाइना में हो गया, और ये पामीर का पठार है, यहीं से इनका डिवाइडेशन हो रहा है सवन का ऐसे, ये तियानशेन ये है ना। और इधर ये दक्षिण में हिंदूकश पर्वतमाला, हिंदूकश पर्वतमाला की लोकेशन है पाकिस्तान और अफगानिस्तान में, ये ध्यान रखना है ना। इसके बाद अगर हम बात करें तो अल्ताई पर्वत कहाँ पर है? अल्ताई पर्वत भी चीन में, कहाँ पर है? चीन में, ठीक है ना। इसके अलावा और तो ज़्यादा इसमें फेमस पर्वत है नहीं, ये जाग्रोस पर्वत श्रृंखला, ये आपको पता है ईरान के वहाँ हैं जाग्रोस, ठीक है ना। ये एक इम्पोर्टेंट है, ये थोड़े सा ये आपको पता है अरावली हो गई भारत की, ये आपका भारत का पश्चिमी घाट हो गया, ये भारत का पूर्वी घाट हो गया, ये हिमालय हो गया। ये मेजर क्षेत्रीय भूमि है एशिया की जहाँ पर पर्वतीय क्षेत्र आते हैं। इसके बाद आता है डेजर्ट एरिया, एशिया का जो डेजर्ट है इसको देखते हैं, इसमें कई डेजर्ट है। देखो पहले उनकी मैं लोकेशन बता देता हूँ, उसके बाद उनके बारे में थोड़ी जानकारी मिल जाएगी आपको। एशिया के अगर डेजर्टों की मैं बात करूं तो देखो एक डेजर्ट तो ये आ गया, ये हो गया थार का डेजर्ट, देख रहा है थार डेजर्ट। थार का डेजर्ट की बात करें भारत और पाकिस्तान में पड़ता है, ठीक है ना। इसके अलावा अगर डेजर्ट की हम बात करें, एक तो हो गया थार का डेजर्ट, ठीक है ना एशिया में। इसके अलावा एशिया में एक है गोबी डेजर्ट, अगर आपने देखा होगा एक गोबी डेजर्ट है एरिया, ये हो गया गोबी डेजर्ट। गोबी डेजर्ट है मंगोलिया है, तो चीन में पड़ता है लेकिन मंगोलिया की सीमा के पास है, ये गोबी डेजर्ट हो गया। और अगर इसमें और डेजर्ट हम देखें तो एक है काराकोलम डेजर्ट है, ये है तुर्किमिस्तान में, यहाँ पर एक डेजर्ट यहाँ तुर्किमिस्तान में और है, ठीक है ना। और टकला मकान और होगा एक है ना, टकला मकान बहुत सुना होगा, टकला मकान एक डेजर्ट है चाइना में, है ना। ये गोबी हो गई, टकला मकान एक चाइना में, इसमें लोकेशन दिख नहीं रहा, एक टकला मकान और है यहीं, है ना। तो टकला मकान जो डेजर्ट है वो चीन में, ध्यान रखना है ना। तारिम बेसिन भी उसमें होकर गुजरता है चीन के, तो टकला मकान डेजर्ट वहीं पर है। इसके अलावा एक चीज़ मैं पहले बताना भूल गया, ये अल्ताई पर्वत है ये चीन में है, लेकिन चीन और मंगोलिया में क्या लगाता है? बॉर्डर बनाता है। अल्ताई पर्वत है चीन और मंगोलिया की बॉर्डर बनाता है, ध्यान रखना है ना। और गोबी डेजर्ट है ये चीन और मंगोलिया की बॉर्डर पर, आपको इतनी लोकेशन पता होनी चाहिए, इससे आपका काम चल जाएगा, ठीक है ना। तो अगर इनके बारे में थोड़ी सी जानकारी पढ़ लेते हैं हम, देखो ये गोबी डेजर्ट कहाँ है, तो गोबी डेजर्ट पहले सबसे बड़ा डेजर्ट है मरुस्थल, अरब का पठार तो हो गया, अरब का पठार भी मरुस्थलीय क्षेत्र आपको पता है, अरब का पठार भी पूरे मरुस्थल में आते हैं, अरबियन क्षेत्र पूरे ये मरुस्थलीय क्षेत्र आपको पता है, इसलिए आप पेट्रोलियम के भंडार बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। तो इसने इसकी लोकेशन बताइए कि यमन से लेकर के और ओमानी खाड़ी यहाँ से लेकर के जॉर्डन तक, ये जॉर्डन इधर है, इतना एरिया है ये अरब का पठार है,
हाँ बता, जॉर्डन की बात करते, जॉर्डन हो गया यमन, ये दक्षिण में तो यमन और ओमान से लेकर के उत्तर में जॉर्डन तक फैला हुआ जो क्षेत्र है, ऐसे हम अरब का पठार या पश्चिमी मरुस्थली क्षेत्र बोलते हैं, ठीक है ना। ये जॉर्डन इराक तक फैला हुआ है और ये एशिया का सबसे बड़ा पठार, ध्यान रखना, अरब का पठार, ये गलत है, मरुस्थल की बात कर सकते हम, एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है ये। इसके बाद आता है गोबी डेजर्ट, जो गोबी डेजर्ट है इसकी लोकेशन हम देख सकते हैं, चाइना में है गोबी डेजर्ट, दूसरा सबसे बड़ा पठार है। और ये कहाँ कहाँ पर है, तो ये हो गया मंगोलिया, ये हो गया चाइना, तो इन तक फैला हुआ है। वर्षा बहुत कम होती है। अब बरसात कम क्यों होती है वो मैं आपको बताई दे रहा हूँ, हम हालांकि की बात पड़ेंगे। देखो ये एरिया, इधर से बरसात आएगी तो यहाँ क्या पर्वतीय क्षेत्र पड़ जाते हैं, यहाँ थोड़ा सा यहाँ पठार पर्वत पड़ जाएगा, वो क्या यहाँ पर बरसात कम होने देगा, क्योंकि यहाँ इधर जाते जाते जो बरसात के साथ जो बूंदे, मतलब जो वायु है उस वायु में आर्द्रता की कमी होने लग जाती है, और यहाँ पहुँचते पहुँचते वायु में आर्द्रता नहीं रह पाती है, इसलिए यहाँ पर बरसात नहीं हो पाती, इसलिए ये सूखा क्षेत्र है। ध्यान रखना ठंडा मरुस्थल, आप देख सकते हो इसकी लोकेशन के आधार पर, ये नॉर्थ में पड़ता है ना, लगभग लगभग ये पड़ेगा 40 से 45 डिग्री के बीच में, तो नॉर्थ में 45 डिग्री 50 डिग्री अक्षांशों के बीच में पड़ने वाला है, तो डेफिनेटली वो ठंडा ही होगा, ठीक है ना, इसलिए ठंडा है। इसके बाद आता है टकला मकान, ये टकला मकान है चाइना में है, कहाँ पर है चाइना में, इसकी लोकेशन पता होनी चाहिए, इसमें दी हुई जो लोकेशन पता नहीं, मिल नहीं रहा, ये टकला मकान चाइना में है और तारीम के बेसन का भाग है, चाइना में एक तारीम का बेसन और है उसका ये भाग है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। थार का मरुस्थल तो आपको पता है, ये थार का मरुस्थल हो गया इंडिया और पाकिस्तान की विशाल सीमा लगाता है, और कराकुलम मरुस्थल ये तुर्कमेनिस्तान में। लोकेशन के आधार पर आपको याद रखना है, क्योंकि लोकेशन आपको इसलिए बताया जाता है कि याद रहे कि कौन सा डेजर्ट कहाँ पर है, क्या है उसकी कुछ खास विशेषता है। एशिया के डेजर्ट ये हो गए। इसके बाद आती है एशिया की नदियाँ, क्या आती है एशिया की नदियाँ, और एशिया की नदियों को लेकर के कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। और देखो ये जो विश्व के लेवल पे आप जो नदियों को पढ़ते हो, इसमें आपको ऐसा नहीं पढ़ना कि कहाँ से उदय हुई, इसको आपको के कौन सी उसकी सहायक नदी है वो नहीं देखना है, आपको जस्ट ये देखना है कि किस किस देश में प्रवाहित होती है, दूसरी बात कहाँ से उद्भव होती है और कहाँ जाके गिरती है, इतना आपको पता होना चाहिए बस। तो इसमें हालांकि बोला गया कि महत्वपूर्ण नदियाँ एशिया की, अगर हम देखेंगे तो एशिया की इतनी नदियाँ ही देखें, एशिया की इतनी नदियाँ आप मतलब क्या बताऊँ, ये देखो तो एशिया के अगर रिवरों को देखें हम, तो पहली बात तो आपको नाम भी पता होना चाहिए कि एशिया में होती है, कई बार तो पीछे समय आपसे क्वेश्चन यही पूछे जाते हैं किस महाद्वीप में प्रवाहित होती है, तो एक बात तो आपको यही पता होना चाहिए कौन सी नदी एशिया में होती भी है नहीं होती है। तो देखो सबसे पहले आ गई ये लिखी हुई है लोकेशन पश्चिम से पूरा, क्या लिखी हुई है वेस्ट टू ईस्ट, ध्यान रखना, तो सबसे पहले नदी वेस्ट में यूफ्रेटस, क्या नाम है ये देख रहे लोकेशन, देखो यूफ्रेटस लोकेशन देख रही है ना आपको बिल्कुल। फिर आ गई टिग्रिस, ये आपको टिग्रिस की लोकेशन देख रही है, ये इराक विराक के पास है टिग्रिस। फिर अमूदरिया, तो ये आपको अमूदरिया होगी, ये जो लैंग्वेज है अरबी भाषा में दरिया नदी को बोलते हैं, इसलिए इसका नाम दरिया है, ठीक है ना, तो ये अरबी भाषा का वर्ड है दरिया यानी नदी, तो ये हो गई अमूदरिया। आप अब इनके बारे में बताएंगे थोड़ी बहुत और इन्फॉर्मेशन अंदर की, लेकिन एटलीस्ट आपको फर्स्ट टाइम ये भी पता होना चाहिए कि है कहाँ है। फिर आ गया सिरदरिया, तो इसके नॉर्थ में देखो सिरदरिया आ गई। फिर आ गया सालवनार, तो ये भी होगी कहीं ना कहीं, ठीक है ना, ये हो गया अरल सागर हो गया। इसके बाद इरावदी, इरावदी नदी ये जा रही। इसके बाद आती है ब्रह्मपुत्र, तो ब्रह्मपुत्र का उद्गम पहले होता है इसलिए ब्रह्मपुत्र की नदी हो गई, और ब्रह्मपुत्र सॉरी मैंने गलत बोली, सिरदरिया, सिरदरिया के बाद आती है सिंध, तो देखो ये हो गई सिरदरिया, और यहाँ आपको पता है ये आती है सिंध, सिंध यहाँ आ रही है, ये सिंध है, ठीक है। इसके बाद गंगा, यह आपको पता है गंगा का उद्भव होकर गंगा जाती है। इसके बाद आगे ब्रह्मपुत्र, ये ब्रह्मपुत्र हो गई, ये यहाँ आगे। इसके बाद इरावदी, ये इरावदी नदी होकर के, ये क्वेश्चन पूछा है कि इरावदी नदी गिरती ही कहाँ, यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा है 2020 में, आपको इतना पता होना चाहिए कहाँ गिरती है, मतलब यहीं से क्वेश्चन आते हैं, बहुत ईजी क्वेश्चन आपसे पूछ जाएंगे, इसलिए नदियों के बारे में आपको इतना पता होना चाहिए कि किस महाद्वीप में कहाँ से गिर रही है कहाँ जा रही है। मेकांग रिवर, तो देख सकते हो ये मेकांग रिवर है, ये मेकांग, ध्यान रखना मेकांग रिवर दक्षिणी चाइना सी में गिरती है, इरावदी नदी अंडमान सागर में गिरती है, या हम कह सकते हैं बंगाल की खाड़ी में गिरती है, ठीक है ना। इसके बाद आ गया यांगसी नदी, ये यांगसी नदी देखो जो इनकी यांगसी नदी है, ये चाइना की बड़ी नदी यांगसी नदी। और इसके बाद पीली नदी, तो जो हुआंगो नदी है इसी को पीली नदी बोलते हैं, क्योंकि हुआंगो नदी यहाँ पर होता है मैंने गोभी का मरुस्थल है, तो वांगो नदी गोभी के मरुस्थल से गुजरती है, और गोभी के मरुस्थल में गुजरने की वजह से इसका जो पानी है वो येलो हो जाता है, इसलिए इसको पीली नदी के रूप से जाना जाता है। अब इनके बारे में एक एक के बारे में देख लेते हैं। देखो
तो देखो सबसे पहले आइए यूक्रेटस, जो मैंने बताई थी आपको, ये नदी यूफ्रेट, यूफ्रेट बोलते हैं इसको, और इसी के साथ में एक नदी और है टाइग्रिस। तो देखो ये कहाँ कहाँ पर प्रवाहित होती है दोनों नदी, थी आपको ध्यान रखना है। पहली बार तो दोनों नदी गिरती कहाँ पर है, ये दोनों आकर के पार्सियन खाड़ी है, पार्सियन खाड़ी को बोलते हैं फारस की खाड़ी। कौन सी खाड़ी है? फारस की खाड़ी। तो ये दोनों नदी आपको इंपॉर्टेंट पता होना चाहिए, दोनों नदी गिरती कहाँ पर है। तो ये दोनों नदी कई बार आपसे पूछी जाता है, इतना पता होना चाहिए कि यूफ्रेटस और टाइग्रिस नाम की जो नदी है ये दोनों फारस की खाड़ी में आकर गिरती है, ठीक है। दूसरा कहाँ कहाँ पर प्रवाहित होती है, तुर्की, आपको पता ये तुर्की वाला क्षेत्र हो गया, सीरिया यहीं पर आगे सीरिया आ गया, ईरान ये ईरान तो हो गया, ईरान के बगल में इराक हो गया, और कुवैत, कुवैत यहाँ छोटा क्षेत्र पड़ता है। तो इन देशों में ये प्रवाहित होती है, तुर्की, सीरिया, ईरान, इराक और कुवैत में। हालांकि नाम याद रख लेना, नॉर्मली हो सकता है कि आपसे ये पूछा जाए कौन से में नहीं प्रवाहित होती, ठीक है ना। तो इसलिए ये दो नदियों के बारे में आप जान चुके होंगे। इसके बाद आती है सरदरिया और अमूदरिया, ठीक है ना। तो इन दोनों को देखते हैं ये कहाँ पर है, ये तो हो गई सरदरिया और ये हो गई अमूदरिया, यानी कि सरदरिया नॉर्थ में और अमूदरिया साउथ में। देखो तो सरदरिया किन दो देशों में प्रवाहित होती है, तो ये उद्भव होती है कहाँ, यहाँ ताजिकिस्तान और अफगानिस्तान की जो बॉर्डर है वहाँ पर प्रवाहित, यहाँ यहाँ आपको होता है ताजिकिस्तान और अफगानिस्तान की बॉर्डर है, यहाँ से तो इसका ओरिजिन होता है। फिर ये अफगानिस्तान, ताजिकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान बहते हुए, उज्बेकिस्तान बहते हुए ये अरल सागर में चल जाती है, कहाँ गिरती है? अरल सागर, ये अरल सागर। तो पहली बात तो अब आपने देखा होगा यहाँ से उद्भव हो रही है उत्तर की ओर जा रही है, तो इसकी जो प्रवाह की दिशा है वो भी पूछ लिया जाता है कि इसकी प्रवाह की दिशा क्या है। प्रवाह की दिशा दक्षिण से उत्तर की ओर है, कहाँ पर है? सिरदरिया की जो फ्लो डायरेक्शन है वो फ्लो डायरेक्शन दक्षिण से लेकर के उत्तर की ओर है, ठीक है। कहाँ उद्भव होती है? तो अफगानिस्तान और ताजिकिस्तान की बॉर्डर पे होती है, और अफगानिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान इन चार देशों से निकलते हुए, कजाकिस्तान नहीं है ध्यान रखना, कजाकिस्तान तो ये अरल सागर है इसके ऊपर है कजाकिस्तान, लेकिन गिर किस में जाती है? अरल सागर में ही गिर जाती है, ठीक है। तो अरल सागर में जाकर गिर जाती है कौन सी? सिरदरिया, ठीक है। इसके बाद आती है इसके दक्षिण में अमूदरिया, ये अमूदरिया, ठीक है। अमूदरिया की अगर बात करें तो ये भी ध्यान रखना, ये भी गिरती कहाँ पर है, ये भी इसका उद्भव कहाँ है? तो तियानशेन हमने पर्वत पढ़ा था अभी, आपको पता तियानशेन पर्वत थोड़ी देर पहले पढ़ा था, तो तियानशेन पर्वत है ये रिया, ये तियानशेन पर्वत है, ये तियानशेन पर्वत से निकलती है कौन सी? अमूदरिया। तियानशेन पर्वत से कहाँ पर? तियानशेन का कौन सा हिस्सा? आपको पता है तियानशेन पर्वत दो भागों में, दो देशों में, चीन में भी है और किर्गिस्तान में भी है, लेकिन ये किर्गिस्तान वाले पहाड़ से निकलती है, ठीक है भाई। मान लीजिए चियान वाला पर्वत है, इधर वाला पूर्वी भाग होगा चाइना का और पश्चिम भाग होगा किर्गिस, मतलब किर्गिस्तान का, तो किर्गिस्तान से निकलती है। किर्गिस्तान से निकलने के बाद ये जाती है उज्बेकिस्तान, यह देखो ये किर्गिस्तान है, किर्गिस्तान से बहते हुए यूँ जाती है कजाकिस्तान, और कजाकिस्तान के बाद ये उज्बेकिस्तान के साथ अरल सागर में, ये भी अरल सागर में ही गिरती है। कहाँ पर गिरती है? अरल सागर। सरदरिया, अमूदरिया दोनों रिवर है, अरल सागर में ही गिरती है, ठीक है। सरदरिया तीन देशों में बहती है, ध्यान रखना अंतर यह कि सरदरिया है वो अफगानिस्तान में नहीं जाती, उसकी जगह वो किस में जाती है? कजाकिस्तान में, ठीक है। और जो सॉरी अमूदरिया, अमूदरिया है वो अफगानिस्तान में नहीं जाती, और सरदरिया है वो अफगानिस्तान में जाती है। दोनों बहती चारों देशों में, दोनों गिरती ही मतलब उसी देश में है, कहाँ पर? अरल सागर में। इनका ओरिजिन अलग अलग जगह, वो ध्यान रखना है। इसके बाद आता है सिंध, तो सिंध नदी तो आपने पढ़ी है, सिंध नदी का उद्भव आपको होता है तिब्बत की पठार से होता है, और किससे होता है? मानसरोवर झील से, इसमें देखेंगे तो नॉर्मली इसकी लोकेशन यहाँ आएगी, मानसरोवर झील से होता है। इसका प्रभाव क्या है? देखो प्रभाव, अगर इसके प्रभाव की अगर हम बात करें तो प्रभाव है उत्तर पश्चिम में प्रभावित होता है, क्योंकि ध्यान रखना ये क्यों लिखा है उत्तर पश्चिम, उत्तर पश्चिम आपको लग तो रहा होगा दक्षिण में जाती है, लेकिन इसकी लोकेशन बताओ कैसे? ये क्या है कि ऐसे उद्भव होती है यहाँ पर, फिर यूँ जाएगी। तो ये अगर इसकी बात करें हम, तो ये तो उत्तर पश्चिम हुआ ना, उत्तर पश्चिम जाती है फिर ये दक्षिण पश्चिम में आती है, पहले उत्तर पश्चिम जाती है फिर ये दक्षिण पश्चिम में आती है, ये ध्यान रखना। इसकी दो तरह से प्रभावित होती है, पहले उत्तर पश्चिम जाएगी फिर दक्षिण पश्चिम आएगी, ठीक है ना। ये भारत का जो श्रीलंग, ये भारत का क्षेत्र है, तो भारत का जो जम्मू कश्मीर वाला क्षेत्र है इसमें तो आएगी उत्तर पश्चिम, और फिर नीचे गिरेगी दक्षिण पश्चिम, ठीक है ना। और कहाँ पर गिरती है? अरब सागर में। और किन चार तीन देशों में बहती है? चाइना से तो इसका ओरिजिन होता है, भारत के ये कश्मीर वाला एरिया में बहती है, और फिर पूरे पाकिस्तान में प्रवाहित होते हुए अरब सागर में गिर जाती है, ठीक है ना। कहाँ पे गिरती है? अरब सागर में। इसके बाद आती है गंगा, गंगा भारत की नदी है, हालांकि भारत की पढ़ेंगे तभी अच्छे से पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ वैश्विक इतिहास के हिसाब से पढ़ रहे हैं, वैश्विक दृष्टिकोण है, एशिया की लोकेशन के आधार पर इनको पढ़ रहे हैं। तो गंगा नदी आपको पता है गंगा हिमालय से उद्भव होती है, और फिर भारत से बहते हुए ये बांग्लादेश में,
गिर जाती है, बांग्लादेश में बंगाली खाड़ी में जाके गिर जाती है। दो देश आते हैं इसमें, भारत और बांग्लादेश। फिर वह इसका देखेंगे तो पहले तो दक्षिण में बहती है, फिर दक्षिण पूर्व में बहती है। यानी कई बार इसके फ्लो से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं, फ्लो किस टाइप है, क्या इसका फ्लो नॉर्थ में है, इसका फ्लो साउथ में है, इसका फ्लो कहाँ पर है। ये फ्लो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है। इसके बाद आती है इरावदी नदी। ध्यान रखना, इरावदी नदी की अगर मैं बात करूँ तो इरावदी नदी का उद्गम म्यांमार में होता है। म्यांमार में भारत की पास सीमा के पास में जो हिमालय क्षेत्र है, भारत म्यांमार की सीमा के पास में, तो जो हिमालय का जो भाग है, हिमालय आपका पूरा फैला हुआ है, जो म्यांमार में हिमालय है, हिमालय की लोकेशन पढ़ेंगे तमाम को बताया जाएगा, लेकिन जो म्यांमार में हिमालय है वहाँ से इरावदी नदी का उद्भव होता है। और इरावदी नदी म्यांमार में ही बहते हुए, इरावदी नदी म्यांमार बहते हुए, ध्यान रखना, म्यांमार बहते हुए अंडमान सागर में गिर जाती है। और अंडमान सागर में मतलब ये अरब, ये बंगाल खाड़ी भी है, ऐसा क्या बोल सकते हैं, बंगाल, क्योंकि पूरा बंगाल खाड़ी है, तो अंडमान सागर है बंगाल खाड़ी में गिर जाती है। तो अगर ऑप्शन में आपको अंडमान सागर भी दिया है तो आंसर आपको लगाना अंडमान सागर, लेकिन यदि अंडमान सागर नहीं दिया उसकी जगह बंगाली खाड़ी दिया गया है तो बंगाली खाड़ी आपको आंसर लगाना है। ये क्वेश्चन यूपीएससी ने पूछा है इरावदी नदी का। और इसमें इंपॉर्टेंट खबर यह है कि म्यांमार की जो राजधानी, राजधानी का नाम बड़ा अजीब है मुझे याद नहीं है, लेकिन जो म्यांमार की राजधानी है वो कहाँ पर बसी हुई है, इरावदी नदी पर। और देखो इस टाइम आपको इंपॉर्टेंट खबर बता दूँ कि म्यांमार के कौन कौन से देशों के साथ पड़ोसी सीमा लगती है उसको आपको याद रखना है, क्योंकि म्यांमार बड़ा हाईलाइटेड चल रहा है इस टाइम। वहाँ पर जो डेमोक्रेसी है उसको हटा करके आर्मी शासन चल रहा है, इसलिए उसको लेकर क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो आपको म्यांमार की राजधानी, उसके पड़ोसी और वहाँ में प्रवाहित होने वाली जो नदियाँ हैं उनके बारे में आपको पता होना चाहिए। इसके बाद एक नदी है सालवेन। कौन सी नदी है? सालवेन। सालवेन नदी है, इसमें लोकेशन नहीं दी है, लेकिन सालवेन नदी है, इसका उद्भव होता है तिब्बत के पठार से। तिब्बत के पठार, कई बार आपसे क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि तिब्बत से पठार से होने वाली नदियों को बताइए। तिब्बत के पठार से 5-6 नदियाँ प्रवाहित होती है। मेकोंग, एक बार ये लिख ले सर, तिब्बत के पठार से कौन कौन सी होती है? एक तो हो गई सिंधु नदी, दूसरी हो गई ब्रह्मपुत्र, ध्यान रखना गंगा नहीं होती, गंगा तो भारत में होती है, तीसरी हो गई मेकोंग, और चौथी हो गई सालवेन। ये चार तो ये नदी हो गई, ठीक है ना। तो ये चार नदियाँ और भी याद आ जाएगी तो बता दूंगा, चार नदियाँ कहाँ से निकलती है, ये चारों नदियाँ हैं ये कहाँ से निकलती है, तिब्बत के पठार से। तो सालवी नदी है ये भी तिब्बत के पठार से निकलती है, उत्तर से दक्षिण में, ऑब्वियसली तिब्बत के पठार से निकल के उत्तर से दक्षिण बहेगी। और ये कहाँ कहाँ क्योंकि बहती है, देखो ये बड़ी हुई, ये यहाँ से आएगी सालवी नदी, ये चाइना में घुस जाएगी, चाइना के बाद ये जो बॉर्डर है कौन सी, ये थाईलैंड वाली बॉर्डर है, ठीक है ना, ये थाईलैंड वाली बॉर्डर म्यांमार के साथ इसमें प्रवाहित होते हुए ये भी अंडमान सागर में गिर जाती है। कहाँ पर गिरती है? अंडमान सागर। तो सालवेन नदी भी कहाँ पर गिरती है? अंडमान सागर में। ये तीन देशों प्रवाहित होती है। थोड़ा सा क्या है कि ये तिब्बत से निकलती है तो चीन में होकर आ जाती है, फिर ये वही म्यांमार में आएगी और म्यांमार थाईलैंड की बॉर्डर से ये तिब्बत के पठार पर गिर जाएगी, अंडमान सागर में गिर जाएगी, ठीक है। तो ये हो गई सालवेन नदी। सालवेन नदी के बाद अगर हम आगे पढ़ेंगे तो मेकांग नदी। कौन सी नदी? मेकांग नदी। ये भी कहाँ से निकलती है? ये आपने सुना होगा, ये भी मेकांग नदी, यहाँ से ऑरिजिन होती है और ये बहते हुए ये इधर चल जाती है। अब मेकांग नदी के बारे में आपको बता दूँ, मेकांग नदी एक ऐसी नदी है जो तिब्बत के पठार से निकलती है। एक तो ये चाइना और म्यांमार की सीमा पर गुजरती है, फिर अगर हम बात करेंगे और आगे तो ये लाओस और वियतनाम, लाओस और ये थाईलैंड की सीमा से निकलती है, ठीक है ना। फिर ये कंबोडिया में प्रवाहित होते हुए, ध्यान रखना वियतनाम में जाती है और कंबोडिया में प्रवाहित होते हुए ये कहाँ गिर जाती है? दक्षिणी चीन सागर में। तो इसके बारे में इंपॉर्टेंट खबर ध्यान रखना कि उद्भव कहाँ से होता है इसका? तिब्बत के पठार से। प्रवाहित की डायरेक्शन कैसी है? आपको पता है ये नॉर्थ है, ये साउथ है, साउथ डायरेक्शन है। किन किन देशों में जाती है? ये चाइना हो गया, म्यांमार हो गया, ठीक है ना, थाईलैंड की सीमा पर जाती है, और यहाँ आपको पता है लाओस हो गया, और ये दक्षिण में हो गया कंबोडिया, और ये थोड़ी सी बगल में हो गया वियतनाम। तो इन देशों से गुजरती है, वियतनाम से गुजरती है, कंबोडिया से गुजरती है, और कहाँ गिरती है ये आपको पता है? साउथ चाइना सी में गिरती है। तो कहाँ पर गिरती है? मेकांग नदी, साउथ चाइना सी में। एक से इसके बाद आती है यांगसी नदी। अच्छा, ये यांगसी नदी का भी उद्भव कहाँ होता है? तिब्बत के पठार से। तो पांच नदी फेमस है, उसमें एक नदी यांगसी नदी भी है। ये देख रहा होगा आपको यांगसी नदी, ये तिब्बत कहाँ होता है? तिब्बत पठार पूरा फैला हुआ है, यहाँ से तिब्बत का इसका पठार फैला होता है यांगसी नदी का। यांगसी नदी ये चाइना में प्रवाहित होती है, ध्यान रखना, और चाइना में प्रवाहित होने की दिशा क्या है? ये पश्चिम में, और किधर जाती है? पूर्व की साइड जाती है। और चाइना के कई फेमस है, संघाई शहर है, वुहान शहर है, जिनका आपने नाम सुना होगा, ये दोनों शहर यांगसी नदी के किनारे पर ही बसे हुए हैं। और ये हो गया, आपको पता है मैंने बताया था पूर्वी चीन सागर, तो कहाँ जाके गिरती है? पूर्वी चीन सागर।
ना, और पूर्वी चीन सागर में बताया था आपको, लोकेशन ऊपर बता दीजिए, मैंने पूर्वी चीन सागर की, तो पूर्वी चीन सागर में जाकर के गिर दिया, सॉरी मैंने गलत बोला, दक्षिणी चीन सागर में, अरे ये चीन में कितने, अच्छा पूर्वी चीन सागर तो यहाँ है, सॉरी मैंने गलत बोल दिया, ये तो है पूर्वी चीन सागर और ये है दक्षिणी चीन सागर, और ये है, ये दक्षिणी चीन सागर हो गया पूरा जिसको लेकर के विवाद है, यहाँ है पूर्वी चीन, यहाँ पूर्वी चीन सागर है, यहाँ पीला सागर है, यहाँ पीला सागर, दोबारा दोबारा भी लोकेशन याद रख लो, ये हो गया येलो सी, ये हो गया पूर्वी चीन सी, और ये हो गया दक्षिण चाइना सी, दक्षिण चीन सागर, पूर्वी सागर और पीला सागर, ठीक है ना, ये तीन लोकेशन है, तो ये दक्षिण चीन सागर में गिरती है। इसके बाद है पीली नदी, पीली नदी को किस नाम से बोलते हैं, वांगू नदी से बोलते हैं, इसका प्रभाव भी अगर आप देखोगे तो ये हो गया पश्चिम, ये हो गया पूरा, ठीक है ना, पश्चिम से पूर्व प्रवाहित होती है, और ये गोभी, मैंने बताया था यहाँ गोभी का मरुस्थल है, देखो गोभी का मरुस्थल बताया था मैंने आपको, अगर आपको याद है, ये देखो गोभी का डेजर्ट, तो गोभी के डेजर्ट में प्रवाहित होती है, और गोभी के डेजर्ट से प्रवाहित होते होते जब गोभी के डेजर्ट में एंट्री मारती है ना, तब इसका रंग येलो हो जाता है, इसलिए इसको नाम क्या बोलते हैं, येलो नदी, और ये फैते येलो नदी बहते बहते फिर येलो सागर में चली जाती है, तो ये हो गया येलो सागर में, तो येलो सागर में जाकर के गिर जाती है, ठीक है ना, येलो सागर को बूढ़ी सागर भी बोलते हैं, तो वहाँ जाकर के गिर जाती है, ठीक है ना, तो इसका पानी पीला क्यों होता है ये आपको पता होना चाहिए, फिर इसको किस अन्य नाम से जानते हैं ये भी आपको पता चाहिए, कि वांगो नाम से जानते हैं इसको, पश्चिम से उत्तर की ओर प्रवाहित होती है, गोभी मरुस्थल में एंट्री करती है, और किस सागर में जाकर गिरती है, तो एशिया की फेमस फेमस नदी है, ध्यान रखना, हालांकि नदी तो एशिया में बहुत है, ये फेमस है, ठीक है ना, तो इसलिए ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। इसके बाद ये यहाँ तक का जो एशिया आपने देखा था, ये एशिया की, इसके बाद एशिया की जो जल क्षेत्र वो आएंगे, लेकिन इनको हम बाद में देखेंगे, क्योंकि ध्यान रखना जो अभी तक आपको जितना बढ़ाया गया है ऊपर, उसकी लोकेशन को देखो, तभी आगे की लोकेशन आपकी समझ में आएंगी। अभी मैं बोल रहा हूँ कोई देश बोल दूँ मैं वियतनाम, कोई देश बोल रहा हूँ मैं कंबोडिया, कोई बोल रहा हूँ मैं चाइना सी, कोई बोल रहा हूँ मैं पीला सागर, तो आपके मन में फिट होना चाहिए कि पीला सागर है कहाँ आखिर, है ना, ये सागर सारे सागर दोबारा पढ़ लीजिए, सारे सागर है, लाल सागर, मृत सागर, बेन सागर, ये फलाने, ये सब सागर दोबारा पढ़ लें, पता लग जाएगा आपको कहाँ कहाँ पर है, और सागरों के बारे में आपको पता है ही कि सागरों के बारे में इनकी लोकेशन पूछते हैं, कौन से देशों के साथ इनकी सीमाएं लगती है, और इतना ही नहीं कौन कौन सी नदी आकर के भी गिरती है, ये भी आपको पता होना चाहिए, तो इनको हम आगे देखेंगे, तो अभी इसको यहीं ख़त्म करते हैं, लेकिन ध्यान रखना ये जो चीज़ें हैं मैप है, इनको एक बार ज़रूर देखना, कोई भी चीज़ समझ में नहीं आया तो वो मैप डाउनलोड करके कैसे भी करके इनकी लोकेशन ज़रूर देखना, जब आप लोकेशन के हिसाब से ही इनको पढ़ेंगे ना, तब इनको याद रखने की संभावना आपके पास ज़्यादा रहेगी, अच्छे से आप याद कर पाओगे, तो इसको यहीं समाप्त करते हैं, फिर आगे और ज़्यादा बड़ा बड़ा वीडियो बनाएंगे, है ना, क्योंकि बहुत बड़ा है थोड़ा सा ये, तो चूँकि लोकेशन भी आपको बतानी पड़ती है, इसलिए थोड़ा इसमें टाइम लगता है, और इस सागर से संबंधित मैंने लगभग लगभग हर सागर की लोकेशन दी है इसमें, जैसे रेड सागर की लोकेशन, मृत सागर की लोकेशन, फिर इसके अलावा पारसियन खाड़ी की लोकेशन, हर सागर की लोकेशन दी है, ताकि उस लोकेशन के थ्रू आप अच्छे से इसको बता सकें, तो इसको यहीं समाप्त करते हैं, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।